अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 17 से 23 जुलाई 2017 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका आगे सारा जोल्त बदस्तूर तमाम माह के बारहवें घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा, जिसके वजह से आपको अपने जो हासिद हैं उनके बद इरादों से बचने के लिए कुछ ना कुछ तगदो करना होगी, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला जो है करना होगा कि आप इनके मनफी बातों से या असरात से दूर रह सकें। अगर ऐसे में कुछ इमरजेंसी एक्सपेंस आ जाए तो उनसे बचने के लिए आपको भी फाइनेंशियल जो आपकी सूरत हाल है, माली जो इस वक्त सिलसिले चल रहे हैं, उसकी प्लानिंग जरूर कर लीजिएगा, वरना खाम खा का जहनी दबाव और परेशानी का अंदेशा लाख रहेगा। आपके बदस्मा में मुश्तरी की मौजूदगी आपके करियर में इज्जत और शोहरत का सबब बन सकेगी, जबकि आपको अपने साथ साथ एक फायदे का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 20 और 21 जुलाई को जोहल और अतारत तसलीस की वजह से आपकी सोच में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे, जबकि हालात के मुताबिक ऐसे फैसले करने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी, जबकि अपने मसाइल का मुस्बत और देर पर हल भी आपको मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 17 जुलाई को मुलाजमती उमूर में दरपेश रुकावटों को बेहतर तौर पर सत्यबाब कर सकेंगे। 18 जुलाई को मुश्तरका कामों में आपकी दिलचस्पी बहाल रहेगी। 19 को शराबती कामों में सरमायाकारी का मौका मिल सकेगा, जबकि 20 जुलाई को किसी अहम मौजू पर किसी फर्द से तबादला ख्याल कर सकेंगे। 21 जुलाई को हालात और माहौल को समझने की कोशिश कीजिएगा। 22 जुलाई को आपकी सोच महदूद हो सकती है, लिमिटेड सोच, यानी अपने मामलात को इस एंगल से आप देखेंगे कि ज्यादा दूर तक नहीं देख सकेंगे, दूर अंदेशी जो है वो आपसे खासी दूर हो सकती है, तो इसलिए आपके काम जो है जारी उनमें रुकावट भी आ सकती है, ताखीर भी हो सकती है और कुछ गैर मुस्तहकम फैसले भी हो सकते हैं। 23 जुलाई को अपने मामलात में बुजुर्गों से मशावरत जरूर कीजिएगा, वरना खामखा की रुकावटें दरपेश हो सकती हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो सात असरात का हामिल वो 20 जुलाई, जबकि मामूल से बढ़ के आपका जो मनफी असरात के हामिल दिन या थोड़ा एहतियात तलब दिन जो है वो 21 और 23 जुलाई के साथ 23 जुलाई के साबित हो सकते हैं। ये दो दिन आपके लिए थोड़ा तकलीफ के या अजियत के बायस भी बन सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आंखें तरह जल तमाम चुकी 11वें घर में चुके रुजत की हालत में मौजूद था और बल्कि बाकी दिन भी मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने सियासी और समाजी उमूर जो है खासा मुहतात रहना होगा। अपने दोस्तों से तो बिल्कुल वाबस्ता नहीं करना चाहिए, वरना मायूसी हो सकती है। इस दौरान आपका जहली एक्म यूरेनस जो है तमाम मजाचे के 3रे घर में रहते हुए 18 और 19 जुलाई को मरीख से तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने जाती मिसाइल के हल और मकासद की तकमील में खौम खा की रुकावटें जो है वो जन्म ले सकेंगी, जिनका सामना करना पड़ेगा आपको। जहनी परेशानी लाहक हो सकती है, नागहानी सूरत हाल को सामने आ सकती है, इसलिए आपको इन एडवांस जो इन चीजों के लिए तैयार रहना होगा। 20 और 21 जुलाई को जोहल अतारत तसलीस होने की वजह से हालात के मुताबिक एडजस्ट करने की जो आपकी काबिलियत है वो सामने आएगी, जिसकी वजह से आपको अपने बहुत सारे मिसाइल का मुमकिन हल भी मिल सकेगा। 21 और 22 जुलाई को यूरेनस हिम्स तरबी होगी, जिसकी वजह से दूसरों के बदलते रहिए आपकी परेशानी का बाइस बन सकते हैं, लेकिन ऐसे में मुखलिस जो तो आपके दोस्त अहबाब है उनके तामन से हालात में जल्द बेहतरी लाने में आप कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 जुलाई को अपने मकासद के हुसूल के लिए शराबती जो मामलात हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 18 जुलाई को कारोबारी उमूर में दरपेश रुकावटें दूर हो पाएंगी और 19 जुलाई को विरासती और क्लेम से मतलब उमूर में आपको कामयाबी मिल सकेगी। 20 जुलाई को आपका मानवीय माहौल साजगार होगा, अच्छे माहौल में तबादला ख्याल जो है वो कर सकेंगे। 21 जुलाई को रिश्तेदारी जो है जिन जहां जहां भी जिन जिन लोगों से आपका ताल्लुक है वहां मजीद ताल्लुक मजबूत हो सकेगा। 22 जुलाई को सियासी सरगर्मियों से उन्नति का मौका मिल सकेगा, जबकि दूसरों पर अच्छा तासर छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। 23 जुलाई को आपका इखलाक और किरदार सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर सात असरात का जो हामिल दिन है वो
20 जुलाई, जबकि मामूल से बढ़कर जो एहतियात तलब दिन जो हैं या मनफी असरात के हामिल दिन 21 और 23 जुलाई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम मजहब के आठवें घर में रहने की वजह से आपके शरीक कार यानी बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों से आपके जो ताल्लुकात हैं मौजूदा उनमें मजबूती आ सकेगी, बेहतर हो सकेंगे, इस्तेहकाम आएगा और मुश्तरक मफाद के जो हामिल उमूर हैं या काम हैं उनमें माली फवायद का हसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम और वरासी उमूर में भी आपको फवायद मिल सकेंगे। आपका ज़ैली आकम नेपचून तमाम आपके ताले में रुजत के हालत में मौजूद होगा, जबकि 17 और 18 जुलाई को जोरा से तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके इश्क व मोहब्बत के जो मामलात हैं वो खासे सेंसिटिव रहेंगे। इससे आपके जारी काम और फैसलों में खामियों का अंदेशा भी सामने आ सकता है, जिसकी वजह से बुजुर्गों से मशावरत करना बहुत जरूरी होगा। 19 और 20 जुलाई को मुश्तरी जोहरा तसलीस की वजह से आपके हल्का अहबाब में वसत होने के अलावा आपके सियासी और समाजी हालात जो है वो खासे खुशगवार रहेंगे, जबकि मुख्तलिफ तकरीबात में मुमकिन तौर पर आपकी शमूलियत होगी, जिसकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 17 जुलाई को कुछ अनजानी ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं, जबकि ऐसे में दानिशमंदाना फैसले करना आपके लिए खासे फायदेमंद साबित होंगे। 18 जुलाई को जिनसे मुखालिफ के दामे फ्रेब की तरफ से एहतियात बरतने की कोशिश कीजिएगा। 19 को रोमानवी माहौल में अच्छी खासी तब्दीली महसूस करेंगे। 20 जुलाई को अजीज वकारों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। 21 जुलाई को नई राहें जो है जिंदगी की उस्तवार हो सकेंगी। 22 जुलाई को जाती नोयत के मामलात में दूसरों को दखलंदाजी नहीं करने दीजिएगा। 23 जुलाई को दूसरों के मामलात में पढ़ने से गुरेज कीजिएगा, वरना खाम खा की टेंशन और वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़कर सात असरात के जो हामिल दिन वो 18 और 19 जुलाई, जबकि मामूल से बढ़कर एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन 20 जुलाई का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ, हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियां और स्टॉक को इजाजत दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाकयात, कुछ नई स्टार मूवमेंट्स और कुछ मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।